ही बड़ा नंबर लागे बहुत घना ही लागे हमारा तो। और पहला कांग्रेस में बड़ा बड़ा लागे करता ने कहा किसी को भी चोला मत लिया सीधा मैं अकेला मिलूंगा तैयार किसी को मत लेना जो भी काम हो जे पितलाल कहता है अकेला हिंदू वर्ग हर सही आदमी है तो नरेंद्र मोदी को दो वोट नहीं तो चाहे मिलावट है तो कहीं भी दे दियो भाई राम की खान की नहीं तारी हमने बेरोजगारी दिखे जय राम की खान की नहीं बेरोजगारी लग गई भाई। अच्छा ना काम दोबारो हल्के में इतना दलाल ने काम करे ना कोई कर मंत्री को नहीं आवा के आन की सारा ही जामनी जबत करते हो एक नहीं कौन छोटे जबरदस्त मारो हलवारो ते पूरा विश्वास है जनता का। हाँ पूरा विश्वास काम कर रखे काम के वोट है पानी आए बंसीलाल ठीक है रात को काटियो मन समान न्यूज तो ये गला ने हाँ जी राम राम। तो चर्चा चल रही है चर्चा करना रही चुनावी चर्चा की बात करा तो के रुझान है चुनाव की चर्चा बात करें तो बहुत बढ़िया रुझान है जेपी दलाल का कारण उन्हें काफी काम करवाए हैं काम सब करवाओ जी न्यारा के न्यारा करवा न्यारा पानी न्यारा लिया है कोई कमी को नहीं कड़े मोटर धरो जमींदार किस तरह चलाओ कोई नहीं रोको नहीं कोई नहीं रोको खुलो चला नहीं कहते भाई कोई नहीं रोको जमींदार पहले के रोकिया करते पानी खूब पकड़ा करता सूंड काट दिया करता भाई पानी कौन था लाऊं कितने था मिला पानी सूखा मोटर के करे था पकड़े कितने था सूखी नहीं राम बता कितने लाऊं था मोटर बंसीलाल जी लिए थे बंसीलाल के बाद में ये आए हैं इस उम्र आए हैं उनमें गाड़ी लगने लगी ट्रैक्टर लगने लगे नहीं राम का मानना है बात है लेकिन 30 साल हो रही बंसीलाल को जाए हुए सारी नहरें टूट गई थी इसने दोबारा नहरें बनवाई हैं पानी लाया है 24 घंटे गांव में बिजली करी है सड़कें बनवाई हैं तो सामने भी तो समाज सेवी है मौका देना चाहिए। हाँ तो वो बस के समाज सेव कर कन्यादान का लिया मैं तो 11 रुपया का लिया 11,000 का दिन दो इतने समाज सेवी है इसको 10 साल पहले विचार के बाद में जिताया है वो 10 साल कार्य करेगा उसके बाद में देखेंगे उसका नंबर। अच्छा हाँ अच्छा पहले 10 साल बरतिया है फिर जिताया है फिर जिताया है उस तरह राजवीर फटिया को भी 10 साल पर देख के बाद में जिताएंगे। अच्छा पहले नहीं नहीं पहले नहीं एक 10 साल 5 साल और है दलाल साहब को। अच्छा एक योजना और दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे साहब क्या बात भगवान है दलाल भगवान के रूप में आया है कारण लवारु को हर चीज दी है भगवान ने दूसरा कृष्ण का रूप भेजा है। अच्छा देवी सिरसी सिरसी अच्छा ये बीजेपी का पैर तो रहा है बीजेपी करे भी सके थोड़ा मोटा खूब करे बीजेपी कभी कभी छोड़ रखी ये करवा दिया कहे कि अच्छो पानी देव ला रहा नेरा अच्छी बिजली देवा अच्छी सड़क बना दी और के बीजेपी बिचारी हां और के करेगी तो लागे है जनता वोट देगी काम पे हां खूब देगी अच्छी दरिया। अच्छा हां पूरा विश्वास है हां फुल है जी इसका कार्यकाल दलाल साहब का बढ़िया कार्यकाल है जी कुछ करवा नहरा में पानी लाया मुआवजा दिवाया कौशल योजना में बालका ने मिलाया से कॉलेज भी बनवाया से भाई और सड़क फुटी पड़ी थी उन्होंने बनवाई काची तो कौन छोटी भाई काम में जनता देगी वोट जनता तनमन धन तो वोट देगी तनमन धन तो हाँ बाल फरीम लग गए हाँ फरीम लग गए भाई अब मेरा लग गया भाई खुद का दो बाल का। अच्छा हाँ किस चीज में लग गए भाई और वो मैं नहर महकमे में लग गया था। अच्छा और भाई एक साल में आर्मी वाला तो भाई खेल कोटे था। अच्छा और एक नहर में कौन लगे भाई पूरा पक्का था तो फिर की में 7-8 साल 7 लाख 10 लाख में देने पड़े के एक का चमन्नी को देनी पड़ी भाई। अच्छा हाँ को खर्ची पर्ची जरूरत पड़ी ना को खर्ची जरूरत पड़ी ना मेरा विश्वास है भाई। अच्छा हाँ तो फिर इसका मतलब जनता में विश्वास है कि निष्पक्ष भर्ती होने वाली है। निष्पक्ष भर्ती हूं भाई जन जी अरे विश्वास से जदे इतनी इकट्ठी हो रही है भाई बेरा कोरी शामी वाला उसके गले भी जनता दिखा है ठीक होनी है मैं सच्ची से सारी। अच्छा हां झूठी कोनी एक भी सारी सच्ची से 100 पार से भाई ये तो 100 पार से हां। अच्छा हां कभी पक्का भाई पक्का है राम राम ताऊ जी राम राम भाई उनसे काम से कालोद कालोद हां तारकान डाउन सोने पर लोग में दलाल साहब डाउन दिखते कोई मार्टो डाउन है बिरानू का फर्टिया फर्टिया हो रहा है ना न्यूज उठाई करें सह पास आती है कमरा। अच्छा बट बाप भी सारा कोई दो। अच्छा हल्का बाबू क्या हो कोनी को हल्का में आओ ही कोनी हुकुम लगाने में सारा। अच्छा हाँ एम के रोड है वापिस आवे कौन लौट के कोनी आवे के ईसा के कर दियो के तो इसके लिए जो जीत जाओ तो के लेना होगा। अच्छा नहीं समाज सेवी है समाज सेवा करेगा
समाज सेवा तो एन कमी छोड़ रखी है, पानी दे दियो, बिजली यो देने आ रही हो, नहर बन तो सारी आठ नहीं बना दी एरिए में, कभी पानी आए कोई बंसी लाल ठीक है रात को काट गयो बन समान न्यूज तो ये गला ने है काम बोल रहा है बयानी की लड़ी रीढ़ की हड्डी आया नहीं बेरो तो अच्छा हाँ एम के रोड है राम राम भाई कौन सा काम है डानी सांगवान भाई अपना गांव के रोजाना अपनी से रोजाना बढ़िया भाई एक तरफा माहौल है एक तरफा हाँ जी बेराना जनता तो इन्ना भी दूसरा कने भी दिखी ना जी दूसरा कने तो नहीं तो होया करे बयानी वाले ये लोहार वाले सारे इकट्ठे चल रहे हैं जी भाई अरिया जी बैल ब्लॉक की मान लियो अच्छा हाँ जी जबरदस्त मारो हलवार उतर पूरा विश्वास है जनता का हाँ पूरा विश्वास काम कर रखे काम के वोट है इतना काम दुआरो हल्के में इतना दलाल ने काम करे इतना कोई कर खोज का मंत्री को नहीं आवाग गए आन की सारा ही जामनी जबत करते हो एक नहीं कौन छोटे अच्छा। इतना काम कर रखे लुहारो हल्के में मतलब समझ में को नहीं आ रही या जनता क्या तर गए हो रही है यहाँ बतर हो रही है हाँ इतना काम कर रखे लुहारो हल्के में जेपी दलाल वर्ग का काम हिंदुस्तान आम हरियाणा में तो करे कौन करी चालीस पोली हाउस ला रहे गांव में शीर्षी गांव में 70 पोली हाउस लाग रहे हैं जी बिना रुपये किन्नू का बाग देख जाए खेत में बन 14,000 सरकार पैसा दे हाँ इतना बोझ आ रहे हैं किनुआ का बाण कसूती मोज और नहर चल रहे बेटी जो किल कलाट मार दी हाँ कोई रोक नहीं कोई ठोक नहीं खुलो लाओ जमींदार पानी गीत कह का गाँव जेपी दलाल का गाँव गौर कह का गाँव कुछ चर्चाएं भाई क्या कुछ माहौल है माहौल एक नंबर को भाई दिख लाए तो देखो कौन सा गाँव अपना सुहासड़ा सुहासड़ा अच्छा अच्छा तो उस साइड में पीक के काम है उस साइड में माहौल बढ़िया है विश्वास करेगी जनता हाँ बढ़िया है भाई माहौल युवा तो नुका है बेरोजगार है सरकार में युवा परेशान है कौन का परेशान है युवा कित परेशान है भाई बताइए मेरा नुका नौकरी कौन है सरकार में नौकरी गणी है भाई खूब लागी नौकरी खूब नौकरी लागी भाई राम की खान की नहीं तारी हमने बेरोजगारी दिखे राम की खान की नहीं छन बेरोजगारी लग गई भाई अच्छा मैं एक सरपंच कैप्टन सुहासड़ा का हूँ जो कि मेरी पंचायत के अंदर है 5,500 वोट है और मेरी पंचायत के अंदर में इन पिछली सालों के अंदर बीजेपी के दौरान 150 आदमी सर्विस लगे हैं और एक 80 का लड़का डायरेक्ट थानेदार लगाया है जो कि बड़े बड़े आदमी थानेदार के खुबाब लेते हैं और वह फेल हो जाते हैं इसलिए बीजेपी वर्गीय सरकार जो मेरे आस पास के गांव हैं सभी का बिल्कुल एक ही रुख है कि बीजेपी लाओ और हरियाणा बचाओ और जेपी दलाल वर्ग का नेता चिराग लेने से भी चिराग लेकर के तलाश करे तब भी वो नहीं मिलेगा क्योंकि ईमानदार कर्मठ और बिल्कुल नहरों का पानी लो बिजली लो पावर हाउस लो और जितने भी सड़क जितनी भी बनी है बागवानी का काम जो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय जो खरकड़ी के अंदर 114 एकड़ के अंदर बने जा रहा है वो रोहतक के अंदर जाता वो आज यहाँ आ रहा है ये सब बातें जेपी दलाल साहब की है और जेपी दलाल साहब को बिल्कुल भारी बहुमत के साथ हम जिताएंगे ये हमारा वादा है खुली जीत होती एक तरफा पानी दे दियो पीछा दे दिया हर सुविधा में हर चीज की सुविधा दी है भाई साहब लोग अनाज गरी पड़े है लोग 4 साल का अनाज इकट्ठा पड़ा है किसी ने बेचा नहीं इतना मुआवजा मेरे गांव मंडोली कला एकले में दे रखा है 4 साल का अनाज गरी पड़ा है हाँ 4 साल का पड़ा बेचा है कौन सा इतना मुआवजा आ रहा है जितना अनाज कौन मने उस तक दूना बीमा आ रहा है तो फिर पहले पहले 20 रुपया किलो का 5 रुपया किलो चेक चेक नहीं जा कर दे कांग्रेस की सरकार में भैया 5 रुपया को चेक ले जाए अब वो पहल तुड़वाना है राम राम भाई राम राम गाँव मंडोली है भाई मंडोली खुर्द कला हाँ जी नहीं खुर्द है क्या रुझान है आपकी साइड की बात आड़े बीजेपी का है कारण के इसने काम करे हमें सही बढ़िया ये कुछ करो नहर में पानी आया है सड़क बना दी मुआवजा मिला है सारे काम है ठाट से सारे काम है ठाट से बंद कर दे नवनाथ भाई साहब कौन सा काम है
गांव सरियारपुर में। हाँ जी सरियारपुर। अच्छा तो किसान के माहौल एक नंबर का है भाई। क्या कारण है, क्या कुछ करवाया था भाई? सारा काम करवा रखा है, पानी ले, मुआवजा ले, गलियाओं काम ले, सारा काम कर रहा है। ठाट कर रखे था, मौज कर रखी भाई। लगा जनता विश्वास कर रखी चुनाव में, कर रखे भाई, देख ले। अच्छा, पहले कर रखे है। हाँ। अच्छा एक तरफी, एक तरफी। राम राम जी। राम राम। जन आशीर्वाद रैली है, कितना का आशीर्वाद आज दलाल साहब तक लोहारू की जनता देखी जाएगी? लोहारू जनता दलाल ने देता हूँ, परिवर्तन क्या हुआ बताओ? परिवर्तन तो बढ़िया हुआ है, बढ़िया काम करवाया भरडिया जितना का देखो इन काम किया, काम कीजिए तो फटिया कल बने ना बने, ये तो आज भी है और कल भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फटिया साहब की कोई गारंटी नहीं है कि जीत गया तो बनेगा कि नहीं बनेगा, गारंटी है। हाँ अगर ये जीत गए तो पक्का मंत्री बनेंगे, ये गारंटी है। जन आशीर्वाद रैली है, कितना का आशीर्वाद? बहुत बढ़िया, फुल फ्लेज, फुल फ्लेज, फुल फ्लेज, फुल फ्लेज। फिर चुनाव में बैग पत्ते दिखण दे, कौन दिखण दे? बैग पत्ती मतलब ओरा की देखिया, और यहां की देखे कौन? यो बल्ले बल्ले। अच्छा हां जेपी दलाल बल्ले 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 बल्ले। दलाल साहब ने जो वो काम करवा दिया हमारे 15 साल में किसी मंत्री ने करवाया, सुरेंद्र तोमर मनाया क्या नाम से, यो सोमवीर, सोमवीर किम्मे कौन करो, चमका दिया लोहारू का नाम, हरियाणा में खड़े जाओ कहाँ के हो लोहारू के, अरे वाह लोहारू के, इतना काम कराया। जिसका एक ट्रैक्टर था उसका दो दो ट्रैक्टर हो गए, जमीन गहने दे रही थी वो छुटकी लोगों की, किसानों की। अगर हिंदू वर्ग है, सही आदमी है तो नरेंद्र मोदी को दो वोट, नहीं तो चाहे मिलावट है तो कहीं भी दे दियो। अच्छा मिलावट है तो कहीं भी दे दियो। क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात बोली है। नमस्कार जी। राम राम। कौन सा काम है? गाँव मानेरू भिवानी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट मानेरू गाँव। मानेरू तो आप प्यार प्रेम में समर्थन देने खतरा है? प्रेम में नहीं जी, हम तो बीजेपी के समर्थन में वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा तो आज जन आशीर्वाद रैली है कि इलाके इस भीड़ ने देखा कितना आशीर्वाद मिला खतरा? भीड़ तो बीजेपी जीतेगी, बीजेपी का सच्चा जनाधार है। बिहार कांग्रेस तो नुका है अपनी जो बहन की चार सीट, चार बहनों को तो सभी पार्टियां कहते हैं, अभी मेरा निर्दलीय भी वो भी बोलते हैं छह की छह आऊंगी, भी होनी छह की छह आऊंगी, पुरानी भी होनी जला दादरी और बाड़ा मिला के छह की छह। हाँ चरखी दादरी और भी होनी मिला के छह सीटें, मेरी छह की छह आऊंगी, 100% आऊंगी। भिवानी तो बताओ एंटी कन्वेंशन हो रही है, कॉमरेड किसान नेता खड़े कर रहा है? नहीं 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 ये सब अफवाहें हैं, हमारे भिवानी से श्री घनश्याम जी वो चौथी बार यानी चौके पर चल रहे हैं। अच्छा चौथी बार लगातार, तीन बार जीत चुके और वो चौथी बार भी जीतेंगे, बड़े मार्जिन जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, बड़े से कम से कम भी, कम से कम भी 50,000 से। अच्छा हाँ एक तरफा को ना भाजपा सह उड़े। अच्छा छोटी बात हो रहेगी, जो मंत्री बनने के बाद मिश्रे कहा किसी को भी चोला मत लिया, सीधा मैं अकेला मिलूंगा तैयार, किसी को मत लेना जो भी काम हो, जे पितलाल कहता है अकेला अकेला मेरे पास आ की बात करिए अपने, सच्चाई बात है, सच्चाई है, सच्चाई है, हर एक नागरिक बात करता है, किसी को मत लिया, आ जा आपकी समस्या बता, लड़ाई झगड़ा ना करके आइए, चोरी ना करके आइए, सार्वजनिक काम के लिए कभी भी आ जाए मेरे पास, मैं तैयार हूँ। ये कौन सा काम है? बड़वा काम है। हाँ जी बड़वा काम। अच्छा तो बड़वा के रुझान है आपका, तो बड़ा काम है और पिछले बार तो लीड दी थी दलाल साहब ने, इस बार जेपी साहब के साथ। अच्छा तो के इतना प्यार प्रेम क्यों है दलाल भाई? हम तो 15 साल से दलाल साहब के गले लाग रहे हैं, जो काम करे अदुन के लिए लगा भाई। ये कुछ करवाया काम? हम सारी चीजें मारे, तो नौकरी हमने दे दी, बिजली मारद रहे, पानी मारद रहे। नौकरी तो पहले मिला करती? पहले मिला करती रुपया ने भैया। अच्छा नोट शोट होया कर दो मिला कर दी, मारा बरा गरीबन कौन दिया कर दो, और अब तो जो पढ़ा लिखा हो भाई उन्होंने मिलेगी। अच्छा 10 साल की बात करा तो बड़ा कितने बड़ा नौकर लागे भाई? घुणा ही लागे मारा तो। और पहला कांग्रेस में? कांग्रेस में तो बड़े बड़ा लागे करता। अच्छा अब सबके लागे? एक सबके लागे, गरीब का लागे भाई, एक सबके लागे। फिर कि मैं 10-15 लाख ना ना बिना खर्ची बिना पर्ची के लागे एक तो। अच्छा तो सच्चाई बात है जो भाजपा का? बिल्कुल सच्चाई बात है। कौन से गाँव की टीम से? ये भाई गढ़वा गाँव से। अच्छा अभी तो बेरा का सर अंदर कोई ना पड़ोसी हम दो। तो फिर इस जन आशीर्वाद रैली में आप आयो, कितना का आशीर्वाद दलाल साहब ने मिलेगा? जन आशीर्वाद ने भरपूर आशीर्वाद मिला को, बहुत जनता इसके साथ में से, राजवीर फटे होते दिखावा है। दिखावा क्यों, समाज सेवी है? नहीं नहीं वो तो दिखावा है यार, धंधा है उसका, तो पैसे की भरमार है, पैसे के बल पर इलेक्शन चला रहा है वो, और उसका दिखावा चल रहा है। अच्छा
बाकी वोट थे, वोट तो जेपी दलाल के, जेपी दलाल ने नहरों में पानी दिया, लोगों को मुआवजा बीमा दिलवाया, बहुत सार्वजनिक काम करे हैं और हम जमींदार वर्ग से हैं, हमारे को काम चाहिए। हमारे एरिया में नहरों में पानी खत्म आने के टाइम में टूबलों को पानी खत्म हो गया था, जमीन में पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, नहर में पानी आया है तो हमारे पास पानी आया है। आज हर आदमी ठंडा मीठा पानी पी के बहुत खुश है और खेती के बहुत अच्छा पानी मिलता है। दलाल साहब का धन्यवाद करना चाहोगे आप? बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया है, तो जनता देगी साथ पर? खूब देगी, खूब देगी, खूब देगी। सरकार महोदय, नायब सिंह सैनी से बात करता हूँ, कितने टाइम कर ले उसी टाइम बात करता है। एक मुख्यमंत्री और एक एमएलए के पास जाते थे, वो बात नहीं करते, बोले गया चंडीगढ़, वो सरकार है, ये वो सरकार है, मुख्यमंत्री बात करता है, अभी करेगा तभी, इनका दो मिनट रुक भाई ना फोन आ जाएगा। अब वह इंसान है ये तो देख, ऐसी सरकार आने की नहीं है, अगर हाथों से निकल गई तो फिर नहीं जाएगी, फिर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भगवान। क्या बात है भाई। तो जी आप देख रहे हो फिलहाल अभी जो है रैली स्तर के अंदर हाँ, और बड़ी संख्या में जो है लोग आ रहे हैं सुनने खातर दलाल जी ने, अमित शाह जी ने, और जो भाजपा की रैली है, तो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर जनता यहाँ आई हुई है, और बड़ी संख्या में जो है आप देख रहे हो लोग हैं। तो जो है आप देख रहे हो भाई लोग किस बड़ी तादाद में जो आज बैल में पहुंचे हैं, मंत्री जी की नीतियां प्रभावित होगी, उनका काम तो प्रभावित होगी, भाजपा की नीतियां प्रभावित होगी, और आशीर्वाद या जो है जन आशीर्वाद रैली आज जो है बैल के अंदर होने लग रही है। नौजवान साथी खड़े हैं, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, सिरसी सिरसी सिरसी, किसका कार्यकाल है दलाल साहब? जबरदस्त है जी, जबरदस्त है भाई, एक तरफा माहौल है, एक तरफा भाई लगा है जी, चलिए बिल्कुल जीतेगा भाई, पक्का पक्का है, लोवर का है, हाँ राम राम शिवानी शिवानी कैसा, क्या माहौल लग रहा है इस भीड़? गजब का माहौल है भीड़ देख के, बहुत बढ़िया। जन आशीर्वाद रैली है तो कितना जन आशीर्वाद देगा मंत्री जी ने? दे दिया मंत्री जी ने, पहले दे रखे ईद के देना है, मंत्री जी देखे थे हमने, विश्वास है। अच्छा तो फिर परीक्षा में पूर्ण उतरोगे? पूर्ण, सौ की सौ, सौ की सौ भाई। जो है आज बैल के अंदर हम मौजूद हैं और जन आशीर्वाद रैली मंत्री जी जे पी दलाल जी ने करवा रखी है, और उस रैली में जो है हमें उनके जो सुपुत्र हैं दलाल साहब के, जो सुपुत्र हैं आशीष भाई, तो वो भी मिले, अभी तो भी दो चार बात कर ले, हाँ कितना प्यार प्रेम जनता में दिखाना रहे। राम राम भाई, सब राम राम भाई जी। तो आज जन आशीर्वाद रैली जो मंत्री जी ने कर रखी है और बड़ी भारी भरकम संख्या में जो है भीड़ आई हुई है, कितना का आशीर्वाद है भाई? ये रैली नहीं रैला है। अच्छा हाँ, तो भाई आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, लोग वो अपने मर्जी से आए हैं, मंत्री जी के सुनने आए हैं, गृह मंत्री जी के वाक्य सुनने आए हैं, और ये लोग सब लोग को पता है, देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोहारू में कमल का फूल खिलेगा और जेपी दलाल जी यहाँ से जीत के जाएंगे। तो जनता नो भी क्या भाई साहब कि बिना कब क्यों चक्कर का डाल ला रहे, हम ही तैयार बैठे हैं, वोट देंगे, ठोकी देंगे, फिर भी इतना मंत्री जी आज बैल बुलाऊं कदे, कोई जरूरत नहीं है, हम ही तैयार हैं, जिता के कटेंगे। देखो जी, ये तो जनता का प्यार है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता के साथ हम साथ चल रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। ये रैली हमें अमित शाह जी के लिए करनी थी ताकि हम आगे लोहारू को आगे विकास के कार्यों के लिए आगे ले जा सकें और मंत्री जी को चंडीगढ़ तक पहुंचा सकें। अगर बात करें तो विकास कार्य बहुत सारे करवाए हैं, मैं लोहारू में लगातार सर्वे चल रहा है, काम बोल रहा है मंत्री जी का, तो फिर के प्लस पॉइंट मान लो कि कौन सी ऐसी चीज़ जो चुनाव में बेनिफिट करेगी मंत्री जी को? भाई चुनाव में आपने बेरा है, मंत्री जी ने हल्के में 4,000 करोड़ रुपए काम कराए हैं, तो इन 4,000 करोड़ रुपए के जो काम है वो मंत्री जी को आगे जिताएंगे, चाहे नहरों में पानी लेके आए हैं, चाहे सबको मुआवजा दिलवाया हो, जो रोडों का अपना काम हुआ है हल्के में, सबसे ज़्यादा रोडों का काम हुआ है, आप गिगनाओं में आप हॉर्टिकल्चर का जो सेंटर है वो खुलवाया है, और ऐसे अनेकों हजारों करोड़ रुपए के काम करवाए हैं, इसी से हम जनता भारतीय जनता पार्टी के इनको जिताएगी जी। सरापत भी जिताओ है, सरापत भी जिताओ है, गुंडा टोल नहीं है जेपी दलाल का। गुंडा टोल है ठीक है सर, समाज सेवी बताओ है किसवा करे होने मार्डम जाके समाज सेवा कौन कर ला रहे हो? उरे कता कर रहे हो? आरोम कर ला रहे हो या गुंडा गेम्स है? यो कोई समाज सेवी को इसमें करनी चाहिए ने, आड़ के जरूरी थोड़ी है, राजनीति के कारण बस करे है, लोगन लोभाव है, किशन दारू पीउन ने दे उनको जूत बजवाओ घर ही रोजाना। देखो किसी भी
विपक्ष को जो कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनके साथ भी अच्छी खासी जनसंख्या देखी जाती है और समाज सेवी का एक टैग उनके ऊपर लगा हुआ है, तो किस तरह देखो अभी विधानसभा चुनाव? देखो जी, विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया कि ये भीड़ जो आई हुई है ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, लोग अपने खुद उत्साह से मन से आए हुए हैं और लोग अपने आप जुड़ के आए हैं। बाकी रहे आप समाज सेवी जी की बात कर रहे हैं, वो देखो उनका अलग सिस्टम है, अपने हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी से जेपी दलाल जीत के जाएंगे, ये आप देख लो लोग बता रहे हैं। कितना विश्वास है आने वाले चुनाव में कितनी सीटें भाजपा निकाल लेगी? जी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, आप देख लो ये भीड़, कहीं पे भी आप जाओगे हरियाणा में 90 के 90 हलकों में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। लोकसभा में देखा तो कितने कितने एक विपक्ष की आवाज लहर चली हुई थी भाई, परिवर्तन की लहर है, तो विधानसभा चुनाव में उस चीज़ का कितना प्रभाव देखा? कांग्रेस पार्टी के जब लोकसभा में झूठ फैलाया था, उस झूठ के कारण कोई हमारे भाई किसान लोग कुछ लोग भ्रमित हो गए, लेकिन अब वो देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के अपने देश के साथ जुड़ के वो जुड़ना चाहते हैं और विजयी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। पूरा 36 बिरादरी, उसमें 36 बिरादरी सारा दलित समाज आ जाता है, सारी की सारी 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई समस्या नहीं है, भरपूर जनसंपर्क मिल रहा है, हमें लोगों का मिल रहा है सारा प्रकार। तो जन आशीर्वाद रैली आज आपने की है, मंत्री जी ने कर रखी है, जो जनता आपको देख रही है उससे क्या जो है ना आप क्या कहना चाहोगे? क्या जी, एक तरफा लहर है, 100% 150% सरकार हमारी आ रही है, यहाँ से जेपी दलाल जीत के जा रहे हैं जी। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। जो है हमारे साथ आशीष दलाल जी थे जो कि मंत्री जी के सुपुत्र हैं, उनके विचार हमने सुने और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी जो है उन्होंने अपनी राय प्रकट की है, तो आप भी अपनी राय जो है भाई कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो में शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, सारे दर्शकों चाची तयन भाण महीनों अपने राम राम जी।